सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोको X2 डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। यार, हम इस अपडेट के बारे में बात करेंगे, इसी के साथ में हम बात करेंगे इंस्टॉल प्रोसेस के बारे में। सो गाइज, अगर आप भी हैं पोको X2 डिवाइस के यूजर्स, यार आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज में भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोको X2 डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, ये तो खैर हम वीडियो में आगे बात कर लेंगे। यार, इससे पहले हम बात करते हैं इंस्टॉल प्रोसेस के बारे में। तो देखो यार, आप लोग को जो अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है ना, तो उस अपडेट का फाइल साइज होने वाला है अप्रोक्स 3 GB का, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि MIUI 13 एंड Android 12 यानी कि दो मेजर अपडेट एक साथ देखने के लिए मिलेगा। एंड गाइस, MIUI 13 के अपडेट में काफी सारा एक्साइटिंग फीचर्स भी देखने के लिए मिल रहा है। सो गाइस, इसी वजह से ना आप लोगों को फाइल साइज थोड़ा सा लंबा देखने के लिए मिलेगा। एंड गाइस, जब फाइल साइज लंबा देखने के लिए मिलता है ना, तो यूजर्स क्या करते हैं कि अपडेट को आधा डाउनलोड करते हैं, उसके बाद किसी कारणवश वो अपडेट को पॉज कर देते हैं, उसके बाद फिर से वो थोड़ी देर बाद अपडेट को कंप्लीट डाउनलोड कर लेते हैं। सो गाइस, अपडेट को जो वो पॉज करते हैं ना, उसी क्रम में कुछ बग एंड इशू क्रिएट हो जाता है, जो कि अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद वो बग एंड इशू उन्हें फेस करना पड़ता है। सो गाइस, अगर आप लोग अपडेट को कंटिन्यू में डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे तो यार आपके डिवाइस में कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो अगर हम बात करें कि यार अभी जो पोको X2 डिवाइस में जो अपडेट रन कर रहा है, जिस अपडेट का वर्जन है MIUI 12.5.7.0 का, गाइस कुछ यूजर्स है जो कि कमेंट सेक्शन में बता रहे थे उनका डिवाइस MIUI 12.5.7.0 वर्जन में अपडेटेड है। फिर भी गाइस, ये अपडेट मिले हुए ना यहाँ पे यार लंबा टाइम हो गया है, तो गाइस देखो, मे भी हो सकता है कि MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 अपडेट से पहले पहले एक सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिले, जिस अपडेट के थ्रू आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को इनहेंस कर दिया जाएगा। इसी के साथ में आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू होगा उन्हें यहाँ पे फिक्स करने के बाद आपके डिवाइस के स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। सो गाइस, ये अपडेट का फाइल साइज आप लोग को 400 to 500 MB के अंदर में ही आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। एंड गाइस, ये अपडेट हो सकता है कि आप लोग को ना मिड दिसंबर तक देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस, अलर्ट रहना, अपडेट को चेक करते रहना। अगर हम बात करें यार MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 अपडेट के बारे में, तो देखो गाइस, ये अपडेट मे भी हो सकता है कि जनवरी महीना में देखने के लिए मिल सकता है। मे भी गाइस, अब अगर हम बात करें कि जनवरी महीना में अपडेट कब तक देखने के लिए मिल सकता है, तो यार हो सकता है कि मिड जनवरी तक अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। मे भी गाइस, पोको X2 डिवाइस में फ्यूचर में जब भी कोई न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट होगा, यार आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे इसी चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस, फिलहाल में अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।